छोटे बस आप लोग मोटे, समझ लो अभी कौन बड़ा है कौन कौन बड़ा है छोटा कौन छोटा है कौन भी चला है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलीज ब्लॉग एंड इट्स माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक Q&A वीडियो होने वाला है। और गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था और मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आया, धमाकेदार क्वेश्चंस आए हैं, और उन लोग का नाम भी लूँगा और लोग के आंसर्स भी दूंगा। सो गाइस, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो भी है प्रजापति हरप्रीत। ये इनका एक क्वेश्चन है कि किसने आपको बोला ब्लॉगिंग के बारे में, किसने दिया आइडिया। तो ये आइडिया मेरे को अर्शद भाई ने दिए, और ये आइडिया मेरे को मिला और अर्शद भाई ने बोले कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर, क्योंकि तेरी पर्सनालिटी अच्छी है तो ब्लॉगिंग करेगा ना, पब्लिक तेरे को देखेगी और मचा दोगे तुम लोग, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट। ओ भाई, आफ्ताब ब्लॉग्स ने मेरे को क्वेश्चन पूछा, काफ़ी खुश नसीब हूँ मैं। अरे भाई, क्वेश्चन भी क्या पूछे भाई ने, भाई कोई GF है क्या, मतलब मेरी GF नहीं। मिल गया आंसर भाई तुमको, मिल गया ना। गाइस, मेरे मतलब मेरी कोई GF नहीं है, मैं सख्त। तो गाइस, ये इमरान भाई ने जो क्वेश्चन पूछे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, और उनने ये पूछे कि तनवीर भाई के साथ ब्लॉग कब आएगा। तो गाइज, मतलब मेरे पैर में इंजरी हो चुकी है और वो भी कुछ शूट के शेड्यूल में बिजी हैं, इसलिए नहीं जा पाया मैं, तो वो भी काफ़ी जल्दी आएगा इंशाल्लाह, इसलिए बनेगा ब्लॉग। तो गाइज, ये क्वेश्चन है अर्शद भाई का है, और अर्शद टीवीटी भाई, आपका यूट्यूब पे क्या मकसद है। तो गाइज, ये मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब मेरा मकसद ये है कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं ड्रीम अर्श का ड्रीम कंप्लीट करना चाहता हूँ। मतलब उनका काफ़ी अच्छा मतलब ड्रीम है ना, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इंस्पायर करा मेरे को। तो मेरी मतलब मेरा ड्रीम यही है कि मैं मतलब यूट्यूब से जितना भी आएगा वो अर्शद भाई के डोनेशन में जाएगा मेरा, और मैं उनका ड्रीम कंप्लीट करना चाहता हूँ, और एक इंशाल्लाह काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमजा 769 की तरफ से, हाउ यू मेड योर जर्नी ऑफ यूट्यूब फ्रॉम 0 to 1K सब्सक्राइबर। गाइज, ये जर्नी मेरी बहुत लंबी रही है और काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, और इसमें मेरे को मतलब मेरी थर्ड वीडियो में मेरे को बैड वर्ड्स आए थे और मेरे को बहुत बुरा लगा था, लेकिन बुरा लगा था, मैंने स्टॉप नहीं किया उधर से, हाँ, और ना ही मैं कभी स्टॉप करूँगा, और आगे बढ़ता रहा मैं, और ना ही मतलब आगे बढ़ता रहा, और उधर से हम लोग 1K सब्सक्राइबर अभी कम्प्लीट हो गए, अभी मेरे ऐसे 1.2K होने वाले, और काफ़ी मज़ा आ रहा है मतलब मेरे को वीडियो बनाने में, और मज़ा आता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खुशबू आंचल का है ये, योर फेवरेट सिंगर। मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है, जिनके गाने मेरे को तुम कातिला ना। ओ भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ, और काफी अच्छे सिंगर है, आप लोगों को सबको मालूम है, ठीक है, तो मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। सो गाइज, ये क्वेश्चन आया है सौरभ DMG7 की तरफ से, हेयर कलर ब्लॉग। भाई को हेयर कलर ब्लॉग चाहिए, और रियली सॉरी कि हम लोग हेयर कलर नहीं करा सकता हूँ मैं, इस्लाम में मना है, और ना ही मैं कराऊँगा, और ये ब्लॉग तो आप नहीं आ सकता, भूल ही जाओ मतलब। हाँ, और चाहिए आपको चाहिए तो मैं टच मतलब छोटे से बाल में करा के आपको दिखा सकता हूँ, एक क्लिप भेज सकता हूँ, हाँ, और वैसे तो नहीं करा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आदित्य और मंसूर, वेर यू मेक योर नेक्स्ट ब्लॉग, और किधर से बनाने वाला, मतलब किधर बनाने वाला। तो गाइज, मेरे पैर में भी इंजरी हो चुकी है, और इसलिए मैं अर्शद भाई के ब्लॉग में भी नहीं आ पाया, लेकिन जैसी ये ठीक होती है हम लोग एक से एक अच्छी अच्छी प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर कराने वाले हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन आया अरमान खान की तरफ से, और उनने पूछे हैं कि आपको कैसा लगा 1K पे। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और मैं गाँव में था और सेलिब्रेट भी किया हूँ मैं, और मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप लोग को इतना मतलब उसका मैंने पूरा वीडियो बना दिया था, और उसका सेलिब्रेशन का, और 1K पे हम लोग को स्टॉप नहीं करने गए, हाँ, क्योंकि हम लोगों ना प्ले बटन भी लाने गए, उसका फिर सिल्वर बटन भी लाने गए, उसका फिर गोल्डन बटन भी लाने गए, और हम लोग का ड्रीम काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग का सफ़र भी काफ़ी लंबा चलेगा। तो गाइज़, ये क्वेश्चन है व्हाट्सएप से आया है,
आप तीनों किन से इंस्पायर है? इंस्पायर है हम लोग, पहला मैं बताता हूँ अपना 307 से, क्योंकि मैंने उनका मतलब कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं अभी इंस्टाग्राम जो भी है, मतलब जो भी सोशल मीडिया पे ऐप चल रहे उस पर सबसे ट्रेंडिंग पे 307 ही है, क्योंकि उन लोग ने स्ट्रगल करे, अपना हार्डवर्क अपना 100% दिए उन लोग ने, तो अभी उन लोग एकदम टॉप पे चल रहे हैं और मैं उन लोग से इंस्पायर हूँ और इसलिए मैं भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी, तो आप लोग के सपोर्ट से मैं भी आगे जा सकता हूँ। तो जावेद भाई, तो मैं इंस्पायर हूँ फैमरो आर्मी दानी जैन से, मैं इंस्पायर हूँ और मतलब जैसे वो पहले करते थे दानी जैन जैसे पहले करता था वैसे मैं भी स्टार्ट किया हूँ। ब्लॉगिंग तो नहीं हो सकती लेकिन पेंटिंग का मैं कर रहा हूँ जो भी अपना अपना है वैसे। और मेरा सिर्फ दो ही लोग हैं इंस्पिरेशन, एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरा ब्राउन बॉय फिटनेस, जिनसे मैंने स्टार्ट किया, इंस्पायर हुआ और जहाँ से मैंने अपनी टीम बनाया, सब लोग साथ में आज भी देख ही सकते, तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे आगे। और उन्होंने जब मज़ा कब आया था जब उन्होंने कमेंट किया था हम लोग के काम देखकर, तो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग का सपोर्ट। गाइस ये क्वेश्चन आया मिसबा पिंजारी से, तेरी इनकम आ रही है कि नहीं यूट्यूब बाबा से? गाइस यूट्यूब कोई बाबा नहीं है और अभी तक नहीं आ रही। क्वेश्चन है फैजल शेख के तरफ से, भाई क्या आप लोग इल्यूमिनाटी पर भरोसा करते हो? रत्ती भर का नहीं हम लोग भरोसा क्या, हम लोग उनके बारे में सोचते भी नहीं है ना कभी सोचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो है, भले से कितना कम खाए कितना ज्यादा, लेकिन वहाँ तक जाना नहीं है, कभी सोचते तक नहीं। भाई तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आंसर मिल गया, मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछ लिया हम लोगों ने रिप्लाई किया। थैंक यू सो मच फॉर एक्टिविटी। नास का है अली अरशद अरहान, जावेद की फ्रेंडशिप कब हुई? ये मैं बताऊंगा, मैं जब मुंबई ब्लॉगर्स के ग्रुप में था तभी अरशद भाई ने वीडियो भेजे थे, तो मैंने इनको मैसेज किया था, फिर इनसे मिला था, फिर हम लोग एक दूसरे से मिले और अली भाई की पहली वीडियो में ये आए थे, फिर यहाँ से इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, उस सबसे ये आगे बढ़ रहे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए अली भाई के चैनल पे, जावेद के और मेरे सबके, ठीक है। और अभी अरहान भाई तो समझे थोड़ा बिजी मैन है। जैनब का और हमने पूछे अरशद अली और जावेद आप तीनों में से सबसे बड़ा और छोटा कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैनब हाँ, आपके हम लोग तीनों आ चुके हैं एक ही मोबाइल के अंदर, एक ही कैमरे पे, और 2002 का मैं हूँ भाई, आप 2003 का, 2003 दोनों 2003 और 2002 का मैं हूँ, लेकिन दोनों बड़े बड़े बॉडी में ये है, बॉडी में ये है, फिर ये है, फिर मैं हूँ, मेरे डबल ये और सबसे पाव मैं हूँ जो भी छोटे, बस आप लोग समझ लो अभी कौन बड़ा है कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन नहीं चला है। गाइस ये क्वेश्चन आया है शेख आलिया के तरफ से, जीएफ बना लो, इसका जवाब हम लोग बहुत तेजी से देने वाले हैं। साथ में 1 2 3 नहीं तो जो भी है नहीं नहीं भाई अभी तो जीएफ का नहीं फंसेंगे, ये सब झोलम झाल से दूर हूँ। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो मशहूर हूँ मैं, क्योंकि खाना समय पे हम लोग जीएफ नहीं बनाएंगे और ना ही आगे बनाएंगे, ना ही है भी। सिंगल इज द बेस्ट वे टू हैप्पी एंड फ्री लाइफ, सिंगल आप लोग भी हो तो मेकअप कर दो, सही बोल रहा हूँ मैं। सो गाइज अभी मेरे 1K हो गए थे और इसका मैंने बनाया था और ये मेरा Q&A वीडियो है और इसमें आप लोग ने जो क्वेश्चन दिए थे उन्हें पूछा हूँ और कुछ छूट गए होंगे तो माफ़ करना, अगली बार हम लोग कवर अप कर लेंगे उसका। और हम लोग की टीम काफ़ी हार्डवर्क कर रही है और हम लोग का सबका ड्रीम एक ही है हाँ, और उसको पूरा करने के लिए आप लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो और हम लोग सपोर्ट करते रहो। और अरशद भाई भी कुछ बोलना चाहेंगे अभी? मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब हम लोग ने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यहाँ तक आने के लिए वो आप लोग ने पूरा कर दिया, मतलब साथ में कैसे मिले वो भी आज तक हम लोग को मालूम नहीं, एक तरफ पे मतलब हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को और आज साथ में हैं, सबके घर में एक साथ रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद प्लानिंग क्या करना पड़ता है। जैसे इनका ब्लॉग आता है 5 मिनट का तो आप लोग को लगता रहेगा क्या फटाफट ब्लॉग बना लिए, खत्म नहीं, लेकिन बहुत इसमें हार्डवर्क लगता है, जाना पड़ता है, फैमिली को पता नहीं क्या क्या रिस्पॉन्स देने पड़ते हैं, तो चाहे वो मैं हूँ, चाहे ये है, चाहे पूरी टीम हो,
सब मेहनत करते हैं। और बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग भी कुछ करो। जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, भले तो एक ही जन अगर मेरा ये वीडियो देखता है अली भाई का, तो मैं उसको बोलना चाहूंगा भाई आपको जो इनकम मिलती है कुछ तो करो उससे, दिखावा करना नहीं है, वो नहीं, दिखावा करके पैसा उड़ा के कुछ फायदा पता नहीं कि 1 लाख रुपए का ये लेके आ गया वो लेके आ गया, दिखावा करके कि हाँ भाई मैंने दे दिया, बहुत दिखावा करने वाले हैं। बट मैं बोलना चाहूंगा हम यूट्यूबर्स को ऐसा बनना है कि भाई हाँ बोले, जिसे भी जो बाबा का ढाबा हुआ वैसा हर एक जगह आना चाहिए यूट्यूबर्स का नाम, बस वही हम लोग चाहते। जो अली भाई की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई बट कोई नहीं, जितना हम लोग के दिल में था मैंने बता दिया, इन्होंने बता दिया और अभी मैंने बोल दिया। तो होप अली भाई की वीडियो अच्छी लगी, सो गाइस होप यू लाइक द वीडियो, सो गो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलो फिर।